हमीरपुर के राधा कृष्णन मेडिकल कॉलेज में कोरोना वायरस को लेकर भारतीय जन कल्याण समिति के द्वारा 7 दिवसीय कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आरंभ हो चुका है। कैंप के दौरान संस्था द्वारा अस्पताल में मरीजों तीमारदारों को मास्क व सैनिटाइजर वितरित किए गए। लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई गई। संस्था के प्रधान ने बताया कि समाज सेवी प्रकाश जन के सहयोग से 1,00,000 मास्क व सैनिटाइजर वितरित किए जाएंगे। हमीरपुर के राधा कृष्णन मेडिकल कॉलेज में कोरोना वायरस को लेकर भारतीय जन कल्याण समिति के द्वारा 7 दिवसीय कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आरंभ हो चुका है। कैंप के दौरान संस्था द्वारा अस्पताल में मरीजों तीमारदारों को मास्क व सैनिटाइजर वितरित किए गए। वो लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई गई। संस्था के प्रधान ने बताया कि समाज सेवी प्रकाश चंद के सहयोग से 1,00,000 मास्क व सैनिटाइजर वितरित किए जाएंगे। संस्था के अध्यक्ष राकेश पठानिया ने बताया कि संस्था के सदस्यों द्वारा लोगों को कोरोना वायरस के बारे में जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संस्था द्वारा संकल्प लिया गया है कि जब तक हमीरपुर जिला के लोग कोरोना वायरस के प्रति जागरूक नहीं होंगे, तब तक संस्था द्वारा घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा और इससे बचने के लिए क्या सावधानियां बरतनी है उसके बारे में भी अवगत करवाया जाएगा। साथ ही लोगों को मास्क व सैनिटाइजर भी बांटे जाएंगे। राकेश पठानिया ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को बहुत ही गंभीर बीमारी है तो ही वे अस्पताल का रुख करें, अन्यथा अपने घर में ही रहें। हमीरपुर जिला में पहली बार भारतीय जन कल्याण समिति ने जन जागरूकता अभियान शिविर का आज शुभारंभ किया है। ये जन जागरूकता शिविर लगभग 7 दिन के लिए लगाया गया है। हमारी भारतीय जन कल्याण समिति की जितनी भी महिला टीम हैं, ये सुबह से ही 9 बजे से इस अभियान में जुटी हुई हैं। जो भी हमारे माता बहनें भाई बुजुर्ग बाहर से राधा कृष्ण मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में किसी भी बीमारी के कारण यहाँ पर आ रहे हैं, तो हमारी महिलाओं की टीम उन्हें पहले ही बाहर ही उनको जागरूक कर रही है। अगर कोई ऐसी बड़ी बीमारी है तभी वो अंदर जाएं, अगर छोटी बीमारी है तो वो अपने घरों में छोटे मोटे जो इलाके में डॉक्टर हैं उनसे ही दवाई लेके घर में रहें, क्योंकि ये कोरोना वायरस जो है ये हाथ मिलाने से या एक दूसरे के गले लगने से इसका जो है बहुत भयंकर खतरा है। और हमारी महिला टीमें जो लोगों को पूरी तरह जागरूक कर रही हैं, और आज जो कोरोना वायरस के कोई के जो लक्षण हैं उनको बचाव के लिए हमारी जन कल्याण समिति ने जो हमारे समिति के मुखिया सलाहकार हैं, इसी इलाके के प्रसिद्ध समाजसेवी भाई प्रकाश चंद शर्मा जी जो गाँव चमनेड़ से संबंधित हैं, उन्होंने 1,00,000 मास्क राधा कृष्ण मेडिकल कॉलेज हमीरपुर को डोनेट करने का फैसला लिया है। बहुत जल्दी ही ये मास्क हम राधा कृष्ण मेडिकल कॉलेज को सौंपने जा रहे हैं। भारतीय जन कल्याण समिति यहीं रुकने वाली नहीं है, जब तक कोरोना वायरस से पूरी तरह हमीरपुर जिला मुक्त नहीं होगा तब तक भारतीय जन कल्याण समिति जिला हमीरपुर ने ये संकल्प लिया है कि जब तक जिला हमीरपुर में कोरोना वायरस से सभी जागरूक नहीं होंगे, तब तक हमारी समिति राधा कृष्ण मेडिकल कॉलेज के अलावा हमारी जितनी भी महिला शक्ति है जो भारतीय जन कल्याण समिति की ताकत है, ये सारी की सारी ताकत हर गांव में जाएगी, हर गांव में लोगों को जगाएगी, और जो भी कोरोना वायरस से निपटने के लिए जो भी दवाई या मास्क हम लोगों को भेंट करेंगे, ये हॉस्पिटल में भेंट करने के बावजूद भी हम गांव-गांव में हमारी महिला की टीम जाएगी, हमारे पुरुषों की टीम जाएगी, और गांव-गांव में जो हर प्रत्येक घर में ये मास्क दिया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना वायरस का से लोगों का बचाव हो सके। संस्था के सदस्य द्वारा बताया गया कि वे लोगों को कोरोना के बारे में जागरूक कर रहे हैं और साथ ही इससे बचाव के बारे में लोगों को बताया जा रहा है। जागरूक करें कि इस बीमारी से कैसे बचना है और क्या बचाव करने हैं। हमारा ज़्यादातर लोगों से यही ये करेंगे कि अपने घरों में ही रहें और बाहर ना आएं। अगर हो सके ज़्यादा ही आपको प्रॉब्लम है तभी हॉस्पिटल आएं और भीड़ भाड़ वाले मतलब स्थलों पर ना जाएं। एक जागरूकता शिविर लगाया हुआ है जो 7 दिन लगा रहेगा, और उसमें हमारे जो समाज सेवी हैं प्रकाश चंद शर्मा जी, उन्होंने 1,00,000 मास्क डोनेट किए हुए हैं हॉस्पिटल में, और हम लोगों को वही जागरूक कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल में ना आएं। अगर ज़्यादा ज़रूरत है, इमरजेंसी है, तभी हॉस्पिटल में आएं।
नहीं तो थोड़ा सा ऐसा है कि मतलब अपने घर में रहें जितना हो सकता है और लोगों को भीड़ ना इकट्ठा करें। बस धन्यवाद। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।